हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 23 नवंबर 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है तो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर में आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है 4.84% का नेगेटिव मूव। 13.02.30 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है ज़रूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, ज़रूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं मंडे के चार्ट में, बात करते हैं सबसे पहले आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से ज़्यादा हमें वॉल्यूम देखने लगा। कैंडल मीडियम टू लार्ज साइज की बॉडी बनी है, नीचे के साइड में बहुत ही बड़ी और ऊपर के साइड में छोटी सी वीक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI 5960 आस पास आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो एक पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव हमें अराउंड 1323 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस कर दिया ईजी मूव हमें जो है वो 1359 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वनआर के चार्ट में बात करते हैं यहाँ पे कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे जरूर मार्क करेंगे, क्योंकि हम जो है इस रेंज में स्टॉक का हम बहुत टाइम बाद जो एनालाइज करें। तो जो भी मैं यहाँ पे मार्किंग्स कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा आप भी जो है सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में थोड़ा सा यहाँ पे डेटा बना उसको भी मैं खाली मार्क करके रख देता हूँ। बाकी याद रखना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्किंग हमारी हो चुकी है, जूम करके मैं बात करता हूँ सीधा इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोजिंग यहाँ पे हमारी हुई है 1301 के आसपास। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे 1299 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1321 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1275 का, उसके बाद क्या 1251 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1345 का, उसके बाद क्या 1368 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो अपना यहाँ पे कल के दिन का, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा थर्सडे के दिन का ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ जरूर यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग का है, लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हमें जरूर देखने मिलेगी। गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक जो है यहाँ पे वॉल्यूम अगर नहीं रहा तो नो ट्रेडिंग जोन में क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम हमें देखना है तो सेलिंग का वॉल्यूम हमें देखना मिल सकता है और इस रेंज में क्लोजिंग दे सकता है। 1275 से 1299 के रेंज में हमारी नेगेटिव साइड में क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन जरूर है कल के दिन, लेकिन गैप अप ओपनिंग हम जरूर एक्सपेक्ट करें। तो कल के दिन गैप अप ओपनिंग के बाद एक रिवर्सल देखने मिल सकता है और इस रेंज में नेगेटिव क्लोजिंग दे सकता है। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है कल के दिन
हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।